दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान की बात पर। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आप सपने में सांप के बच्चे को मारते हुए देखते हैं तो एक कैसा सपना होता है आपके लिए। सपने में सांप के बच्चे को मारते हुए देखना एक संकेत प्रस्त सपना होता है जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत देता है। इस प्रकार के सपने जब आप देखते हैं तो इसके संकेत स्वप्न शास्त्र के मुताबिक भी निकलते हैं और मनोवैज्ञानिक के दृष्टिकोण से भी निकलते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो इसके मतलब होते हैं वो सबसे पहले जान लेते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब आप सपने में सांप के बच्चे को मारते हुए देखते हैं तो ये सपना संकेत करता है कि आपका दिमाग ऐसी ऐसी छोटी परेशानियां थी या ऐसी ऐसी छोटे एम्बैरसिंग मोमेंट थे, यानी कि आपको शर्मसार करने वाली जो आपके अतीत में बीते हुए कुछ ऐसे मोमेंट थे, ऐसे समय थे जो आपको शर्मसार करते थे, ऐसी यादें थी, उसको धीरे धीरे आपके दिमाग से ख़त्म कर रहा है और आपको दिमाग को कहीं ना कहीं आने वाले समय की ओर मोटिवेट कर रहा है या वर्तमान दिनों में जो अच्छी चीज़ें हैं उसके ऊपर मोटिवेट कर रहा है आपका दिमाग। जब आप सपने में छोटे सांप के बच्चे को मारते हुए दिखते हैं जिसमें आप उसको मार रहे हैं तो स्वप्न शास्त्र के हिसाब से ये सपना संकेत करता है कि आपकी कोई ऐसी परेशानियां थी जो कि वर्तमान दिनों में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा टेंशन का कारक बन चुकी थी। वो परेशानियां आपके भाग्य के माध्यम से वो परेशानियां धीरे धीरे आपकी समाप्त होंगी। ये परेशानियां किसी भी प्रकार की हो सकती है, आर्थिक दृष्टिकोण से जुड़ी हुई हो सकती है, मानसिक दृष्टिकोण से एवं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से या फिर रिश्तेदार दोस्त के दृष्टिकोण से हो सकती है जुड़ी हुई। जिनमें किसी न किसी प्रकार की परेशानियाँ उत्पन्न हो चुकी थी तो वो परेशानियाँ आपके भाग्य के माध्यम से धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।